एक आम आदमी के लिए कार। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे सस्ती टॉप 7 ऐसी कार की जो एक आम आदमी आसानी से अफोर्ड कर सकता है, यानी कि आपके सपने भी पूरे होने वाले हैं। अगर आप पहली बार कार खरीदने का सोच रहे हैं और आपका बजट काफी ज्यादा कम है तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है जो एक सेकेंडरी कार चाहते हैं जिसमें माइलेज अच्छा खासा हो, साथ ही साथ आपको ट्रैफिक या फिर सिटी में एक बढ़िया कम्फर्ट प्रोवाइड करे। वेलकम टू कारवुड गाइस। तो ज्यादा देरी किए बिना जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूं, जो हमने 7th पोजीशन पे कार रखी है वो कंपैरेटिवली थोड़ा महंगी है, लेकिन जो नंबर 1 पे जिस कार को हमने रखा है वो आपको 400,000 ऑन रोड प्राइस में भी मिल जाती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें गाइस। बात करते हैं 7th नंबर वाली कार से। तो ये है गाइस टाटा मोटर्स की तरफ से आने वाली एंट्री लेवल हैचबैक जो की है टाटा टियागो। जैसा की हम सभी को पता है ये एकमात्र ऐसी हैचबैक है जो आपको काफी अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको सेफ्टी को तो साइड पर रखना पड़ेगा क्योंकि ये कार का प्राइस सेगमेंट ऐसा है कि इसमें आपको या तो सेफ्टी मिलेगी या फिर आपको कार मिलेगी। अरे कहना क्या चाहते हो? बात करते हैं टाटा टियागो के प्राइस की। तो टाटा टियागो का XE वेरिएंट आपको 5.5 लाख एक्स शोरूम प्राइस में मिल जाता है। वहीं अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग 6 लाख ऑन रोड प्राइस में मिल जाता है गाइस। अगर हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें, टाटा टियागो में आपको 1200 सीसी का इंजन मिल जाता है जो कि पेट्रोल का है गाइस। पावर की बात करें तो 72 बीएचपी की पावर, 84 एनएम का टॉर्क मिल जाता है जो कि अच्छी खासी पावर जनरेट करता है गाइस। बात करें माइलेज की तो टाटा टियागो में आपको 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। सेफ्टी की बात मैंने यहाँ पर बता ही दी, बाकी कार्स में आपको सेफ्टी देखने को नहीं मिलने वाली है। ये टॉप 7 कार में एकमात्र ऐसी कार है जो आपको ग्लोबल एनकैप के द्वारा 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग देती है गाइस। यानी कि यहाँ पे सेफ्टी भी आपको मिलने वाली है लेकिन 6 लाख ऑन रोड प्राइस आपको खर्च करने पड़ेंगे इस कार को खरीदने के लिए। इस प्राइस रेंज में ये कार काफी अट्रैक्टिव दिखती है, काफी शानदार दिखती है। अगर आप अपने पड़ोसी को बताओगे कि 6 लाख में मैं ये कार को लेके आया हूँ, उसको भी लगेगा कि हाँ भाई 6 लाख की गाड़ी है और काफी अच्छी भी लगती है और सेफ्टी के मामले में टाटा का कोई मुकाबला है नहीं गाइस। सीधी सी बात है, टाटा टियागो को खरीद के आप बिल्कुल भी निराश नहीं रहने वाले हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं 6 नंबर की कार की। तो 6 नंबर पर हमने रखा है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली सबसे ज्यादा पॉपुलर कार जो की है वैगनआर। एक एसयूवी टाइप का फील इसमें आपको आने वाला है, हालांकि एसयूवी तो है नहीं, ये एक हैचबैक है, लेकिन फील आपको जरूर आने वाला है। अगर आपके घर में लंबे लोग ज्यादा हैं तो उनके लिए ये कार एक परफेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। उनके लिए आप छोटी कार नहीं ले सकते, इस कार में आपको बढ़िया स्पेस मिलने वाला है। बात करें इसके प्राइसिंग की तो 6 लाख ऑन रोड प्राइस में आपको इसका एक वेरिएंट मिल जाता है जो कि है इसका गाइस बेस वेरिएंट जो कि LXi वेरिएंट है। 5.5 लाख एक्स शोरूम प्राइस में ये मिल जाता है। यहाँ पर आपको 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है जिसमें आपको 65 बीएचपी की पावर, 88 एनएम का टॉर्क मिल जाता है। इसमें आपको माइलेज मिल जाता है 23 किलोमीटर पर लीटर से 25 किलोमीटर तक का माइलेज ये क्लेम करती है, यानी कि कम से कम आपको 22 से 23 किलोमीटर का माइलेज तो मिलने ही वाला है गाइस। ये हुई ना एक परफेक्ट आम आदमी के लिए कार। मजा आया, एक एसयूवी का फील भी करवाएगी। साथ ही साथ मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें कंफर्ट आपको कहीं ना कहीं ज्यादा मिलेगा, हेडरूम ज्यादा मिलने वाला है, स्पेस ज्यादा मिलने वाला है कि बाकी कार्स के मुकाबले में थोड़ा बड़ी भी दिखने वाली है। अच्छा, हमको सिखा रही है। अगर आप चाहते हैं 6 लाख ऑन रोड प्राइस में एक ऐसी कार जो आपको दिखने में भी थोड़ा बड़ी सी लगे, साथ ही साथ आपको माइलेज भी अच्छा खासा प्रोवाइड कर दे और स्पेस भी अच्छा खासा दे दे, तो ये कार आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहने वाली है गाइस। तो गाइस ये थी वैगनआर। तो गाइस अब हम बात करते हैं 5वें नंबर की ऐसी कार जो आपको सबसे कम प्राइस रेंज में मिल जाती है और एक प्रॉपर आम आदमी के लिए बनी हुई है गाइस। गाइस ये भी है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली इको, यानी कि अगर आप एक 7 सीटर की तरफ जाना चाहते हैं और आपका बजट 6 लाख से भी कम है तो ये कार आपके लिए बहुत परफेक्ट रहने वाली है बॉस। 6 लाख से भी कम ऑन रोड प्राइस में आपको एक 5 सीटर और 7 सीटर ऑप्शन मिल जाता है जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है गाइस। आप इसको एक कमर्शियल वाहन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ एक प्रॉपर फैमिली कार के हिसाब से भी बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है गाइस। तो ये गाड़ी आपको 5,25,000 एक्स शोरूम प्राइस से 6.5 लाख एक्स शोरूम प्राइस के अंदर में इसके सारे वेरिएंट आपको मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की तो 1.2 लीटर का इसमें पेट्रोल इंजन आपको मिल जाता है, यानी कि इसमें इंजन भी काफी पावरफुल मिलने वाला है आपको इस प्राइस सेगमेंट में। अगर हम पावर की बात करें तो 82 बीएचपी की पावर यहाँ पर जनरेट करता है, साथ ही साथ 104 एनएम का आपको टॉर्क मिल जाता है गाइस। माइलेज की बात करें तो ये 5 सीटर और 7 सीटर होने के बावजूद भी आपको 20 से 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है।
6 लाख से भी कम प्राइस ऑन रोड में आपको इसके एसटीडी वेरिएंट मिल जाता है गाइस, जो कि आपको 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शन में मिल जाता है। लेकिन अगर आप 6 लाख ऑन रोड प्राइस खर्च करते हैं तो इसका एक वेरिएंट एसी वाला भी आपको मिल जाता है, जो कि 5 सीटर ऑप्शन में मिलता है। हालांकि वो वेरिएंट का नाम भी एसटीडी ही है, लेकिन उसमें आपको एसी करके अलग से वेरिएंट जो है मिल जाता है 6 लाख में। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें, आपको अगर एसी में चाहिए तो आपको शायद 20,000 से 22,000 एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि आज के समय में यार इतनी ज्यादा गर्मी है इंडिया में, एसी तो होना बनता ही है। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी। और बाकी मैंने जितनी अभी कार्स बताई हैं आगे, आपको पता ही है ये बेस वेरिएंट है, तो इनमें आपको फीचर्स तो ज्यादा कुछ मिलने वाले हैं नहीं, लेकिन मेन चीज वही है, आपको इंजन अच्छा मिल जाता है, लुक्स जो है आपको वो आपको काफी शानदार मिल जाता है। कहीं ना कहीं इस प्राइस रेंज में आपको ये चीजें तो कॉम्प्रोमाइज करनी ही पड़ेंगी गाइस। तो गाइस ये थी मारुति सुजुकी की इको, जो एक फैमिली कार के हिसाब से परफेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अब हम बात करते हैं गाइस चौथे नंबर की ऐसी कार की जो एक परफेक्ट आम आदमी के लिए बनी हुई है। ये है गाइस रेनो की तरफ से आने वाली क्विड, जो कि एंट्री लेवल हैचबैक है रेनॉल्ट की, और काफी ज्यादा पॉपुलर भी है इंडिया में, काफी ज्यादा अच्छी भी लगती है अगर लुक्स के मामले से देखें तो। ऐसा नहीं कि इसको आम आदमी ही खरीदता है, बाकी लोग भी इस कार को काफी ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि ये लुक्स के मामले में काफी ज्यादा बढ़िया लगती है, काफी ज्यादा आई कैचिंग इसका लुक है गाइस। अगर हम बात करें रेनो क्विड के प्राइसिंग की, तो ये गाड़ी आपको 4,70,000 एक्सशोरूम प्राइस से 6,30,000 एक्सशोरूम प्राइस के अंदर में मिल जाती है। तो 5 लाख से भी कम ऑन रोड प्राइस में आपको इसका बेस वेरिएंट मिल जाता है गाइस, जो कि RXE है। अगर हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ही आती है, जिसमें 68 BHP की पावर, 90 NM का टॉर्क मिल जाता है। तो अगर आपका बजट 5 लाख तक है तो ये कार आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है। वहीं अगर आप 6 लाख खर्च कर सकते हैं ऑन रोड प्राइस, तो आपको इसके दो और वेरिएंट मिल जाते हैं, जो कि हैं गाइस RXL और RXT। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ फीचर और मिल जाते हैं, जैसे कि आपको म्यूजिक सिस्टम हो गया, टच स्क्रीन हो गया, तो ये आपको 6 लाख ऑन रोड प्राइस खर्च करने में मिल जाते हैं। और साथ ही साथ रेनो की बैजिंग हो गई, और काफी शानदार इसका डिजाइन है। मुझे भी पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मेरे को भी काफी अच्छा लगता है रेनो क्विड का डिजाइन बाकी मारुति कार्स के मुकाबले में। तो रेनो क्विड में 21 से 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है, जो कि काफी बेहतरीन है एक आम आदमी के हिसाब से। लुक्स के मामले में इसके क्या कहने, पड़ोसी भी इसके लुक्स को देख के आपका फैन हो जाएगा। तो गाइस ये थी रेनो की क्विड। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की कार की, जो भी है गाइस मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली एस्प्रेसो। काफी तगड़ी गाड़ी है, दिखने में काफी अच्छी लगती है। अगर हम बात करें मारुति एस्प्रेसो के प्राइसिंग की, तो ये कार आपको 4,25,000 एक्स शोरूम प्राइस से 6,10,000 एक्स शोरूम प्राइस के अंदर में मिल जाती है। अगर हम 5 लाख से भी कम कीमत ऑन रोड प्राइस की बात करें, तो यहाँ पे इसका बेस वेरियंट आपको मिल जाता है गाइस, जो की है एसटीडी। अगर हम बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो 1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ही आपको मिल जाती है, जिसमें 68 BHP की पावर, 90 NM का टॉर्क मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके 6 लाख से भी कम ऑन रोड प्राइस में मिलने वाले वेरिएंट्स की, तो यहाँ पर आपको इसके 3 वेरिएंट मिल जाते हैं, LXi, VXi और VXi प्लस। साथ ही साथ अगर आपका बजट बहुत कम है और आप चाहते हैं एक ऑटोमेटिक कार, साथ ही साथ उसमें फीचर्स भी हैं, तो ये कार आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है बॉस, क्योंकि इस कार में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन भी मिल जाता है 6 लाख ऑन रोड प्राइस। जी हाँ गाइस, VXi प्लस ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है, इसमें आपको 24 से 26 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। अगर यहाँ पर आप CNG में लेना चाहते हैं एस्प्रेसो के, तो वो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको 6.25 लाख से 6,30,000 तक खर्च करने पड़ेंगे ऑन रोड, जो आपको CNG में भी ये प्रोवाइड हो जाएगी। 34 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये आपको दे देती है CNG में। रुको जरा, सबर करो। मामला जो है बजट में आ जाता है। अगर आपका बजट 5 लाख है तो उसमें भी ये आपको बढ़िया कार प्रोवाइड कर देती है। अगर आपका 6 लाख है तो उसमें भी आपको इसके 3 वेरिएंट मिल जाते हैं। वहीं अगर आप चाहते हैं एक CNG वाली कार और आपका बजट 6 लाख 6.25 लाख तक आप जा सकते हैं, तो इसमें आपको CNG ऑप्शन भी मिल जाता है। गाइस ये थी मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो, जो कि आम आदमी के लिए एक परफेक्ट कार रहने वाली है गाइस। स्पेस काफी अच्छा है, अगर आपके घर में लंबे आदमी है तो उसके लिए ये कार परफेक्ट रहने वाली है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा हेडरूम भी आपको मिल जाता है। डिजाइन इसके कैसे लगते हैं, उसके लिए आपको एक बार शोरूम में जाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से पर्सनली ये कार लुक्स के मामले में भी काफी अच्छी लगती है, काफी बढ़िया लगती है। तो गाइस अब बात करते हैं दूसरे नंबर की ऐसी कार की, जो एक आम आदमी के लिए परफेक्ट रहने वाली है। हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी की तरफ से ही आने वाली एक एंट्री लेवल हैचबैक ऑल्टो K10। अभी हाल ही में आपने देखा, पिछले साल ही इसका एक फेसलिफ्ट टाइप का लॉन्च किया है, जिसमें इसके लुक्स को काफी ज्यादा चेंज कर दिया है और काफी अट्रैक्टिव भी लगती है, अभी काफी प्रीमियम फील करवाता है। बात करें इसके प्राइसिंग की, तो 3,99,000 एक्स शोरूम प्राइस से 5,94,000 एक्स शोरूम प्राइस के अंदर में ये कार आपको मिल जाती है। यानी कि 4.5 लाख ऑन रोड प्राइस से 6.5 लाख ऑन रोड प्राइस के अंदर में ये कार के सारे वेरियंट आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपको CNG ऑप्शन भी मिल जाता है, ऑटोमेटिक भी मिल जाता है, साथ ही साथ पेट्रोल इंजन तो आपको मिलता ही है गाइस। अगर हम बात करें ऑल्टो
केटन में मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो 1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ही आपको मिल जाती है, जिसमें 67 bhp की पावर, 89 nm का टॉर्क मिल जाता है। वहीं अगर हम माइलेज की बात करें तो 25 से 26 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इसमें मिल जाता है पेट्रोल में। अगर आपको 4.5 लाख ऑन रोड प्राइस खर्च करने हैं तो उसमें आपको 2 वेरियंट इसके मिल जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम या फिर बाकी और फीचर्स जो होते हैं वो आपको इसमें नहीं मिलने वाले, तो इनसे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इसमें 6 लाख से भी कम ऑन रोड प्राइस में, तो उसमें आपको इसके मैक्सिमम सारे वेरिएंट मिल जाते हैं, जैसे कि VXI हो गया, VXI में ऑटोमेटिक हो गया, तो ऑल्टो K10 जो है वो इस मामले में आगे निकल जाती है। काफी अच्छी सर्विस इसकी मिलने वाली है, काफी सस्ती इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट रहने वाली है। साथ ही साथ अगर आप CNG की तरफ जाना चाहते हैं तो लगभग 6.5 लाख एक्स शोरूम प्राइस ऑन रोड प्राइस आपको खर्च करने पड़ेंगे, आपको CNG वेरिएंट भी इसका मिल जाता है, जिसमें आपको 34 से 35 किलोमीटर पर kg का इसमें माइलेज मिल जाता है। CNG ऑप्शन भी मिल जाएगा, लेकिन पैसे थोड़ा ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। तो गाइस ये थी मारुति की ऑल्टो K10। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 1 कार की, ये भी है गाइस मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली ऑल्टो 800। इसने सपने भी दिलवाए थे और उसको पूरा भी किया था। बात करें ऑल्टो 800 में मिलने वाले इंजन की, तो जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है 800, तो 800 cc का इसमें इंजन आपको मिल जाता है, जिसमें 48 bhp की पावर, 69 nm का टॉर्क मिल जाता है, 22 से 23 किलोमीटर तक का माइलेज इसमें आपको मिल जाता है। वहीं अगर आप इसको CNG में लेना चाहते हैं तो ये भी आपको CNG ऑप्शन में मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो 3.5 लाख एक्स शोरूम प्राइस से 5.25 लाख एक्स शोरूम प्राइस के अंदर में ये कार आपको मिल जाती है। 4 लाख से भी कम प्राइस खर्च करने के बाद आपको एक कार मिल जाती है, ये है इंडिया की सबसे सस्ती कार अगर हम देखें एक फैमिली कार के हिसाब से। बाकी छोटी मोटे ऑल्टो टेम्पो टाइप तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये एक फैमिली कार के हिसाब से सबसे सस्ती कार है इंडिया की, और काफी ज्यादा भरोसेमंद भी है गाइस, और इसको लोग काफी पसंद भी करते हैं इंडिया में। मेंटेनेंस काफी कम है, काफी सस्ती है, कार भी काफी कम प्राइस रेंज में आपको मिल जाती है, कार का सपना भी पूरा करवा देती है, साथ ही साथ आपके पॉकेट में भारी भी नहीं पड़ती है गाइस। दिखने में तो ये काफी शानदार लगती ही है, पहले से ही इसके फैन है लोग, और अभी भी इसको काफी, ऐसा नहीं कि आम आदमी ही खरीदता है इसको, काफी बड़े बड़े लोग भी एक सेकेंडरी कार के तौर पे इसको यूज करते हैं अभी भी, और काफी अच्छा ये इंजन प्रोवाइड कर देती है, काफी स्मूथ इसका इंजन है। अगर हम बात करें 4 लाख एक्स शोरूम प्राइस में, तो इसका एक वेरिएंट आपको मिल जाता है, हालांकि इसमें फीचर्स आपको कुछ भी नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन आपको कार का सपना आपका पूरा होगा, और काफी अच्छी आपको कंफर्ट, इंजन के अगर रिफाइनमेंट की बात करें लुक्स काफी अच्छा मिल जाता है, तो ये सब चीजें आपको मिल जाती है 4 लाख में। वहीं अगर हम बात करें 5 लाख ऑन रोड प्राइस में, तो इसमें सारे वेरिएंट आपको मिल जाते हैं, LXI, VXI, VXI प्लस, हालांकि इसमें आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलने वाला है। अगर हम बात करें प्राइस के हिसाब से और वैल्यू फॉर मनी अगर हम देखा जाए, तो टॉप 7 कार में नंबर 1 पे इसीलिए इस कार को रखा है गाइस। अगर आप 5.5 लाख एक्स शोरूम प्राइस खर्च कर सकते हैं, तो आपको इसमें CNG वेरिएंट भी मिल जाएगा, जिसमें आपको 32 से 33 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। गाइस ये थी इंडिया की टॉप 7 सबसे सस्ती कार, जिन्हें आप बोल सकते हो एक आम आदमी की कार। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कार मैंने इस लिस्ट से छोड़ दी है, तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल कारवुड को सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइस, जिससे आने वाली काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं गाइस। टिल देन कीप यू एंड योर फैमिली सेफ। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।